हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसका सीआरपीसी का भी एक सीरीज़ बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं सीआरपीसी को शुरू करूं, इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस जनरली मींस एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि कानून ये कहता है कि ऐसा नहीं करें। If it is prohibited by law and it is also backed by certain sanctions, that is to say punishment, तो फिर इसको आप ये कह सकते हैं true sense में ये offence होता है। तो offences जितने भी हैं, मैं आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि कानून भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है substantive law और दूसरा होता है procedural law। जो substantive law जो होते हैं वो आपके rights and duties को define करने का काम करते हैं, परिभाषित करने का काम करते हैं। आपके क्या अधिकार हैं, आपकी क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ हैं, इनको डिफाइन करते हैं आपके सब्सटेंटिव लॉज। और प्रोसीजरल लॉ का ये काम होता है कि आपके राइट्स और जो आपकी ड्यूटीज जो फिक्स की थी आपके सब्सटेंटिव लॉ ने, उसको किस तरीके से आप एनफोर्स कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ द कोर्ट्स, वो होता है आपका प्रोसीजरल लॉ। तो ये फ़र्क होता है एक सब्सटेंटिव लॉ में और एक प्रोसीजरल लॉ में। अब सब्सटेंटिव लॉ आपने पढ़ा इससे पहले कि आईपीसी, जिसने ये डिफाइन कर दिया कि आप चोरी नहीं करेंगे, आप मर्डर नहीं करेंगे, आप काफ़ी सारे ऐसे एक्ट हैं विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड बाय द आईपीसी दैट यू शुड नॉट डू दिस। सो सम एक्ट और ऑमिशन हैव बीन डिफाइंड एज सर्टेन ऑफेंसेस, और उसके साथ में दीज आर ऑल्सो बैक्ड बाई सर्टेन सेंक्शंस। तो ये आईपीसी ने काम कर दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ आईपीसी ही एक सब्सटेंटिव लॉ है क्रिमिनल लॉ में, बहुत सारे और अलग अलग कानून होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स एक्ट, ये डिफाइन करता है, ये बताता है, आपकी लाइबिलिटी फिक्स करता है कि आप कोई भी हथियार नहीं रखेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको कोई हथियार रखना है तो आप गवर्नमेंट की इससे पहले इत्तला देंगे। उसके बाद में आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, वो ये डिफाइन करता है कि आप कोई भी जाति सूचक गालियाँ, जाति सूचक कोई बातें किसी आदमी से नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे। ये पता था आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉ के अंदर सब्सटेंटिव लॉज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। तो ऐसे काफ़ी सारे सब्सटेंटिव लॉ ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। प्रोसीजरल, वैसे तो आप जानते हैं कि सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द मेन प्रोसीजरल लॉ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे जो आपके सब्सटेंटिव लॉ, मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी सारे कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, लेकिन कई ऐसे सब्सटेंटिव लॉ हैं जो ये प्रोसीजर भी बता देते हैं। जनरली कई बार ऐसा होता है कि वो ये बताया करते हैं कि सीआरपीसी ही इसका प्रोसीजरल लॉ होगा, प्रोसीजर शैल बी दैट विच हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल प्रोविजन भी बना दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो उसके कुछ सेक्शंस हैं, वो ये बताते हैं कि अगर चेक डिसऑनर का कोई मैटर है तो फिर विटनेसेस को या फिर एक्यूज को नोटिसेस कैसे जा सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी जा सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि ये बताते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा और सब्सटेंटिव लॉ होगा क्या। अब आप आ जाइए द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर। ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये वैसे तो काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव कुछ ऐसे प्रोसीजर इसने बता दिया है। एक्सटेंसिव प्रोविजंस हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस लॉ। अगर मैं कुछ जनरली अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस को डिस्कस करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, काफ़ी सारे क्रिमिनल कोर्ट्स उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए, उनकी पावर्स दे दी, ये क्या उनकी पावर्स होगी। अरेस्ट के प्रोविजन, ये प्रोविजन जो होते हैं ना, ये फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन बिफोर द कोर्ट, ये उसके लिए होते हैं। तो अरेस्ट के प्रोविजन बनाए, समन और वारंट कैसे जारी होंगे वो बताया, प्रोक्लेमेशन कैसे की किस तरीके से किया जा सकता है ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से कोर्ट में मंगाया जा सकता है, उसके लिए समन और वारंट के भी प्रोविजन बनाए। इसके बाद में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, अगर उनको कोर्ट को लगता है किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल कोर्ट को कि टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ पीस,
कुछ ऐसे बॉन्ड वगैरह एक्यूज से या फिर सस्पेक्टेड पर्सन से भरवाए जाने जरूरी हैं, तो उसके भी प्रोविजंस बनाए चैप्टर 8 के अंदर। उसके बाद में आप ये देखें कि मेंटेनेंस के प्रोविजन भी बनाए, ये बहुत ज़रूरी प्रोविजन हुआ करता था। इसके बाद में न्यूसेंस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाए गए कि न्यूसेंस किस तरीके से रोकी जा सकती है, अर्जेंट केसेस में न्यूसेंस कैसे रोकी जा सकती है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए, जो आप 154 FIR के से लेके और 173 तक पढ़ते हो। उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट कैसे एक मृतक के केसेस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जाती है वो बताया गया। जुरिसडिक्शन बताया गया वो 177 से लेके 189 तक। उसके बाद में 190 से लेके 199 तक कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया, कॉग्निजेंस के किस तरीके से बार हो सकते हैं वो बताया गया। इसके बाद में आप ये देखिए कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाए गए, किस तरीके से प्रोसेस इशू किया जाएगा समन या वारंट वो बताया गया। उसके बाद में चार्जेस कैसे फ्रेम होंगे ये भी बताया गया। उसके बाद में ये बताया गया कि सेशन ट्रायल कैसे होता है और मजिस्ट्रेट का ट्रायल कैसे होता है, और मजिस्ट्रेट के ट्रायल भी अलग अलग होते हैं। इट मे बी इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट और इट मे बी इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, तो उसका प्रोसीजर किस तरीके से अलग अलग होगा वो भी बताया गया। समरी प्रोसीजर कैसा होगा वो भी बताया गया, समन प्रोसीजर कैसा होगा ये भी बताया गया, प्ली बार्गेनिंग कैसे होगी वो भी बताई गई। तो बहुत एक्सटेंसिव प्रोविजन बनाए गए हैं। इवन ये भी बताया गया कि एविडेंसेस किस तरीके से रिकॉर्ड होंगे, एविडेंसेस कमीशन पे किस तरीके से रिकॉर्ड होंगे, कब किसी विटनेस की अटेंडेंस ज़रूरी नहीं होती है ये भी बताया गया। जनरल प्रोविजंस बताए गए, एक अगर आदमी पागल है तो उससे रिलेटेड भी प्रोविजन बताए गए, जो कि आप देखते हैं 328 से लेके जो आगे के प्रोविजंस हैं। जो फॉल्स एविडेंस देते हैं कोर्ट के अंदर, फॉल्स डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, उनके लिए भी प्रोविजन बनाए गए 340 के अंदर और उसके आगे के कुछ प्रोविजंस में। जजमेंट कैसे लिखा जाएगा ये भी बताया गया, और ये भी बताया गया कि जब डेथ पनिशमेंट दिया जाता है तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा। कुछ प्रोविजंस अपील से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड, रेफरेंस से रिलेटेड, ट्रांसफ़र के से रिलेटेड भी बनाए गए, जो कि आप 373 से पढ़ते हैं सारे के सारे प्रोविजंस। रिवीजन आप 397, 401, फिर ट्रांसफ़र जो होते हैं वो 405 में पढ़ा आपने। फिर एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, 412 से शुरू हो जाते हैं कुछ प्रोविजंस। फिर बेल कैसे होगी, नॉन बेलेबल केसेस में कैसे होगी, बेलेबल में कैसे होगी ये भी बताएगा। एंटिसिपेटरी बेल कैसे होगी ये भी बताएगा। और ओवर एंड अबाउ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट भी डिफाइन की गई। तो ये कुछ एक्सटेंसिव प्रोविजंस हैं जो कि सीआरपीसी के अंदर बताए गए हैं। इसको अब और आगे डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में, जिनको हम शॉर्ट लेक्चर्स ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हम बताएंगे।